अब जब हम लूप्स की बात करेंगे, ठीक है, लूप्स के अंदर जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि हमारे पास लूप्स तीन तरीके के होते हैं, तीन टाइप्स के लॉजिक्स होते हैं आपके पास। एक होता है सिक्वेंशियल, ठीक है, जो जिसको हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में बात करते हैं तो तीन होते हैं। एक होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस जो वो ये होता है यानी लाइन बाय लाइन, ये वन लाइन वन है, अभी हमने एग्जीक्यूट की थी, फिर टू हुई थी, फिर थ्री हुई थी, फिर फोर हुई, ये वाला क्या कहलाता है, सीक्वेंस, सही। अच्छा, नंबर टू जो होता है वो होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है इफ वो भी हम कर चुके हैं, सही है। पहला है सीक्वेंस लाइन बाय लाइन, दूसरा है सिलेक्शन, सिलेक्शन जो है वो वन बाई सिलेक्शन जो है वो आपके पास एक्चुअली डिसीजन मेकिंग, और दूसरा ये तीसरा वाला जो है ये कहलाता है आइटरेटिव या रिपीटेटेड, इसका मतलब बार बार रिपीट करना। तो प्रोग्रामिंग हमें ये फैसिलिटी देती है कि कोई भी आप स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट वो आप जो है वो रिपीट कर सकें, तो इसलिए हम लूप्स यूज करते हैं। जो डिफॉल्ट लूप्स हैं सी फैमिली में, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, वो तीन है डिफॉल्ट, यानी जब से लैंग्वेज बनी जब ही से वो है। उसमें एक फॉर का लूप है, एक वाइल का लूप है और एक डू वाइल का लूप है, ठीक है। ये तीन टाइप्स के लूप हैं, ठीक है। फॉर, फॉर को ऐसे लिखा जाता है, वाइल का ऐसे लिखा जाता है, डू वाइल का ऐसे लिखा जाता है। आउटपुट में अगर आप देखें तो तीनों का आउटपुट जो है वो तकरीबन हमारे पास जो है वो सेम आ रहा है, 1 to 10 हमने इसमें प्रिंट कराया, 1 to 10 ये हो गया, 1 to 10 ये हो गया। तो इसका मतलब जहाँ तक यूटिलाइजेशन का ताल्लुक है तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसकी जो है डिफरेंस होता है के यूज़ में, कि हमें कौन सा जो रूप से कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, तो पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो हम इसको समझने की ट्राई करते हैं कि ये किस तरीके से जो वर्किंग करता है, ठीक है। इसमें जो है वो हमारे पास पहली बात तो ये कि इसको ज़रा सिंटेक्स समझते हैं कि इसका सिंटेक्स जो है वो कैसा होता है, या इसकी जो सिंटेक्स की वर्किंग होती है वो कैसी होती है। तो हमेशा याद रखें कि पहले हम फॉर का लूप डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर का जो तरीकेकार है आपने याद रखना है वो ऐसे रखना है कि हम इसको बोलते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से होगी, सही है, लूप एंड कहाँ पे होगा, ये नॉर्मली किस में होता है, ये कंडीशन हम डिफाइन करते हैं इसके लिए, लूप कहाँ पे एंड होगा, फिर सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, दो में से एक चीज़ करते हैं, और इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्टेप, सही है। अच्छा, ये तो हमारे पास वो हो गई बात कि हमें जो है वो लिखने का क्या तरीका है, लेकिन आपने जो है और ज़्यादा अगर इसको हम इजी वे के अंदर राइट करें ताकि आपके जहन में रहे, तो फॉर, सही है, और फॉर के बाद जो वो स्टार्ट कॉलन एंड कॉलन स्टेप, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे हमें एंड करना है, और कहाँ पे जो वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराना है। अच्छा, ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये वाइल लूप में भी है और डू वाइल लूप में भी, ये तीनों चीज़ें जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो इसमें इसमें भी इंक्रीमेंट भी होता है और इसमें इनिशियलाइजेशन भी होता है, तमाम चीज़ स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, और स्टेप कितना होगा, यानी कि ये तमाम चीज़ें जो होती है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक ये काम किया जा सकता है कि आप जो है वो इससे ट्राई कर लेते हैं, शायद इससे काम हो जाए हमारा, ये समझ लें कि ये कुछ स्टेयर्स हैं, यानी सीढ़ियाँ जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है। ये स्टेयर्स हैं और जो है इस तरीके की जो है वो उन्हें स्टेयर्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसको थोड़ा सा और 10 तक ले जाते हैं, 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, 10 के बाद क्या करते हैं कि ये क्योंकि हमारे पास एंड हो गया है तो यहाँ पे जो है वो एक डोर बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एक डोर बना देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे
एक जो है वो आप पर्सनल बना दें, ठीक है, और ये वो। अब इसको ये स्टेप्स इसके ऊपर यानी कि स्टेयर्स चढ़नी है, इसको जो है वो आपने स्टेयर्स चढ़ानी है। तो ये वाली जो पहली वाली आपके पास स्टेयर होगी इसको नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 हो जाएगी, और ये लास्ट वाली जो है वो 10 हो जाएगी, ठीक है ना। और जाहिर बात है इससे ये 2 हो जाएगी। अब जरा इस लूप को समझते हैं कि ये लूप जो है वो ये जो पर्सन है ये ऊपर से यानी 1 से 10 तक भी जा सकता है, या ऊपर से बाहर जब निकलेगा ऊपर जाने के बाद तो 10 से 1 तक भी जा सकता है ना। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहले ये देख लेते हैं इंक्रीमेंट, जो भी वेरिएबल हम इसको यूज कर रहे होंगे, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे आई और प्लस प्लस, इसका मतलब है कि आई जो आई का वेरिएबल है जिसके थ्रू ये मूव कर रहा है, पहले 1 था फिर 2 हुआ फिर 3 हुआ फिर वो 10 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है यानी 10 से लेके जो 1 तक आ रहा है तो आई माइनस माइनस कर देंगे, 10 है 9 है 8 है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस पर्सन को जो है मूव करने के लिए हमें इसको जो है बताना पड़ता है स्टार्ट इसका कितना है, तो स्टार्ट इसमें देखें 1 आ रहा है, इसका एंड कितना है, एंड जो है इसका 10 है, ठीक है ना, 1 एंड 10। और कितने कितने जो है इसने जंप करनी है यानी स्टेप्स परफॉर्म करनी है, तो वो जो है हमारे पास इससे आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अब इसको जो लूप्स को जो वो डिफाइन करते हैंगे, ठीक है। अब जो सिंटेक्स में यूज़ करते हैंगे कि एक्चुअल सिंटेक्स क्या होती है, नॉर्मली आई यूज़ होता है इसके लिए ना, एक एक समझ लें एक फॉर्मल वे है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा हम आई यूज़ करें वेरिएबल के तौर पे, जो वेरिएबल हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं ना। लेट सपोज हम INT I इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, सही है, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होता है, कॉमा लगाएंगे तो एरर आएगा। अब जो है वो एंड एंड तक जो है हमें लेके जाना है, तो एंड हमारे पास जो है वो कहाँ पे होगी, ये लास्ट स्टेप है, तो उसके लिए इसी वेरिएबल का नाम दोबारा लिखते हैं और एक जो कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर कि लेस देन और इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं दोनों लगा रहा हूँ, इसका मतलब है ये हमने एंडिंग कंडीशन डिफाइन कर दी है कि ये 1 से लेके जो है वो 10 तक चलता रहेगा, क्योंकि आई जो है वो 1 में लेस होगा 10 से, फिर 2 में भी लेस होगा, 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, उसके बाद जो है वो हम आई प्लस प्लस जो है वो डिफाइन कर देंगे। यानी इसका क्या मतलब है, ये 1 से 10 की तरफ जा रहा है। आई माइनस माइनस भी लिखा तो जा सकता था, एरर तो नहीं होती, लेकिन फिर लॉजिक आपका गलत हो जाता कि आप जो पर्सन को कह रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जाए, लेकिन आप जो है इसको इसकी स्टेप्स माइनस माइनस करवा रहे हैं, तो ये कंडीशन होती है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया लूप। लूप के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अब इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हम राइट कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट एक भी कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। लेट सपोज अभी मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि हम जो है वो इसको यूज इसको खाली जो प्रिंट करवा रहे हैं, लेट सपोज इसको जो प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये हम जो है इसके अंदर मल्टीपल जो है वो यूज कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, और ये जो हम सेमी कॉलन बना रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा कि इसके अंदर जो है वो स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये वाला क्योंकि एक दफा एग्जीक्यूट होगा INT I इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं 0 इसको नंबरिंग कर रहा हूँ, मैं स्टेप नंबर, सही है, या इसको और आप उसको डिफाइन करने के लिए कि आपको ज़रा आसानी हो जाए S0 राइट कर दें, S0 का मतलब है स्टेप 0, ठीक है। और जब आप स्टेप्स राइट करेंगे या इस तरीके से करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेप के बाद जो है वो कौन सी नेक्स्ट स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट होती है। जैसे S S0 हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई, उसके बाद जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी S1, ठीक है, S1 भी आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी S2, ये कौन सी है, ये हमारे पास जो है वो S2 है एनी स्टेप 2, उसके बाद जो एग्जीक्यूट होती है वो स्टेप 3 होती है, ठीक है। अब देखें इसको समझते हैं, हमेशा याद रखिए इनिशियलाइजेशन जो होती है वो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, यानी ये पार्ट तो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है,
उसके बाद ये कंडीशन आती है कि आई इज लेस देन एन इज इक्वल टू 10। अब ये 1 से लेके जो 3 तक स्टेप्स हैं ये क्या होगा, ये बार बार जो है वो रिपीट होंगी। सर एक सवाल था सर, हम इसमें एबीसीडी भी लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम चार यूज करें और चार इक्वल टू उसमें ए कर दें, उसके बाद उसको फिर उसकी लिमिट दे दें जेड तक, ऐसा कुछ हो सकता है सर? हाँ, वो वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हैं। मैं भी आपको इसका उधर कोडिंग में एग्जांपल देके बता दूंगा। तो होता ही है ये अलाउ होता है इसमें जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। तो आई इज लेस देन एन इज इक्वल टू 10 जैसे ये आपने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा ये 1 से स्टार्ट होगा। सही है, तो कंडीशन ट्रू होती है। क्यों? 1 जो होता है वो लेस देन एन इज इक्वल टू 10 होता है, कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो एस 1 के बाद यानी ये वाली स्टेप्स के बाद जो है आपके पास कहाँ पे ये मूव करेगा, ये मूव करेगा स्टेप 2 के ऊपर यहाँ पे, और ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा। और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो ये 1 प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद ये क्या करता है स्टेप 3 में जाता है, स्टेप 3 के अंदर आई को इंक्रीमेंट करता है। तो ये जो है किस किन तीन स्टेट में अब रहता है, स्टेट 0 एक दफा परफॉर्म करता है, फिर बार बार क्या करता है S1, S2, S3 यानी इन स्टेप्स के अंदर ये जो है लूप चलता रहता है। और ये जब तक चलता है जब तक जो एस वन जो है वो ट्रू है। अब देखें जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट कर देगा यानी S2 पे चले जाएगा, फिर S3 पे जाके उसको इंक्रीज करेगा यानी 3 करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा यानी S1 पे चले जाएगा, और कंडीशन 2 होगी तो फिर S2 पे जाएगा प्रिंट कर देगा। तो सो ऑन ऐसे जो चलता रहेगा। अब ये सपोज करते हैं ये इस वक्त जो है वो 9 हो चुका है, तो 9 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 कंडीशन 2 है, तो क्या करेगा S2 पे जाएगा प्रिंट कर देगा, फिर S3 पे जाके 9 को एक और प्लस कर देगा यानी 10 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा 10 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, ये कंडीशन 2 है क्योंकि इसमें एक भी 2 हो तो 2 हो जाती है, तो लेस देन 10 तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 10 है ना। तो अब ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा S2 पे चला जाएगा। अब S3 पे जाके इसको क्या करेगा 11 कर देगा। जब इसको 11 करा तो अब आप देखें 11 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स। तो फॉल्स के अंदर क्या होता है कि फॉर लूप के बाद इस जगह ना इस लोकेशन के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर आके जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होगी उसको जो एग्जीक्यूट कर देगा। और उस वक्त यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जब तक एग्जीक्यूट होता है ये S1 पे डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर, ठीक है। S1 जो है बड़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये जो है ट्रू रहेगा तो ये क्या करेगा लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है ये ट्रू के ऊपर परफॉर्म करता रहेगा। सही, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू के ऊपर परफॉर्म करता रहेगा। और जैसे ही ये वाली कंडीशन जो फॉल्स होती है, जैसे आपके पास 11 हुआ है तो ये कंडीशन क्या हुई है फॉल्स हुई है, ठीक है। तो ये फॉल्स होने के बाद हम इसको यहाँ पे जो वो राइट कर देते हैं कि ये फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने के बाद ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे फॉल्स होने के बाद यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग इसकी पहले तो एक स्नैप ले लें क्योंकि ये अब फॉर का लूप जो है वो मैंने इसलिए, और हो सके स्नैप लेके जो है वो ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा ताकि अगर कोई किसी की मिसिंग हो गई है नहीं आया है, जो लोग यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, सही है, मतलब ये जो मुझे नज़र आ रहा है मौजूद हैं लेकिन मौजूद भी नहीं है, सही है, यानी टोटली लॉस कर रहे हैं अपना, तो वो लोग उन लोगों के भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है दोनों चीज़ें आप कर लें, इसके स्नैप ले लीजिए, अगर स्नैप ले लें आप लोग तो मुझे बता दीजिएगा ताकि फिर मैं जो हूँ ना। अच्छा अभी मैं रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखें मैं अभी रिपीट उस वक्त करूँगा जब मुझे मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग में स्कोर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। प्रोग्राम जी सर, सवाल ये है कि मैं है ना आई का वो इंटीजर आई का वेरिएबल यूज किया है, तो हम लोग कुछ और वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्या? जी सही है, गुड, आपका क्वेश्चन गुड है। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो है इसमें जो ये कन्फ्यूजन होती है जो आपने बताई है ना, और मैंने इसको शुरू में इसी नहीं आप लोगों को बताया था कि नॉर्मली होता ही है कि इसमें हर वेरिएबल अलाउ होता है, और हर वेरिएबल का
वेरिएबल अलाउ होता है, लेकिन एक जो वो प्रैक्टिस बन जाती है। ये मैंने जो है अभी का कोड जो वो मैंने अब भेज दिया है इसको, ठीक है। इसमें जो है वो आई हम नॉर्मली एक ये समझ लें ट्रेडिशनली बन गया कि आई है जो है वो यूज कर रहे हैं, तो आपको नेट पे भी जितने प्रोग्राम नजर आएंगे तो उसके अंदर जो है वो आई हम लोगों के पास जो है वो यूज होगा, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल के हमने रूल पढ़े थे वो वेरिएबल के रूल जो है यहाँ पे यूज हो सकते हैं। यानी कि जो शुरू में हमने रूल देखे थे कि किसी भी अल्फाबेट से शुरू हो सकता है। अब देखिए मैं जरा इसका वो सिंटैक्स राइट कर रहा हूँ, जरा ने डेटा टाइप भी कोई यूज कर सकते हैं लेकिन नंबर कर सकते हैं ना, और होल नंबर करते हैं इसलिए। अच्छा देखें, एक तो ये तरीका है कि आई एन टी आई जो है आप यहाँ पे डिफाइन कर दें, सही है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हम क्या, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे खाली आई को जो है ना यहाँ खाली आप डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ पे फिर हमें जो है दोबारा नहीं डिफाइन करना, सही, हम आई इज इक्वल टू वन राइट कर देंगे। और अगर आपने यहाँ पे ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो फिर यहाँ आई एन टी आई लिख देते हैं, आई एन टी आई इज इक्वल टू वन लिख देंगे। अब जो कंडीशन हमने देखी थी, ये कंडीशन जो थी वो ये थी कि लेस देन एंड इज इक्वल टू एंड था। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हम क्या यहाँ पे एंड डिफाइन कर सकते हैं, लेट सपोज हम मैं लिख देता हूँ आई एन टी एंड इज इक्वल टू 10, सही है। तो अब आप चाहे यहाँ पे दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 10, और आपने क्योंकि ये वैल्यू भी डिफाइन कर दिया तो ये भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब यही होगा कि ये 10 पे एंड हो जाएगा। अब जो है वो हम आई को एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, और एक जो है वो कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ये किसका हो गया, ये फॉर के लूप का कर्ली ब्रैकेट हो गया, और ये जो हमारा आउटपुट है इसको हटा देते हैं, प्रीवियस जो आउटपुट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है वो जिस तरीके से हमने लिखा था इधर कमेंट्स कर देते हैं ये, और कमेंट्स करने के बाद आपको बिल्कुल वही सिचुएशन मिल जाए कि ये जो है F0 है, सही है, ये कॉमा करके आप लिख रहे हैं तो जो आपकी कंडीशन है उसको हमने वहाँ पे कहा था S1। इसलिए मैं आपको बताने के लिए, क्योंकि कमेंट्स में बताने के लिए इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर जो हमने जो इंक्रीमेंट किया था, इंक्रीमेंट के अंदर हमने जो वो क्या डिफाइन किया था, इंक्रीमेंट के अंदर हमने डिफाइन किया था एस